खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और वहीं पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रेल सफर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच रेलवे ने एक साल मार्च से लेकर अब तक 1,78,00,000 से ज्यादा टिकट रद्द कर दिए हैं। इस दौरान रेलवे ने 2,727 करोड़ रुपए की राशि वापस की है। ये जानकारी रेलवे की तरफ से एक आरटीआई के जवाब में दी गई है। आरटीआई में ये भी पाया गया है कि रेलवे, जिसने 25 मार्च से अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था, उसने 5 महीने की अवधि के दौरान 1,78,70,644 टिकट रद्द किए हैं। पहली बार रेलवे ने टिकट बुकिंग से जितना कमाया है उससे ज्यादा वापस कर दिया है। वहीं पिछले साल की अगर बात की जाए तो रेलवे ने 1 अप्रैल से 11 अगस्त की अवधि में 3,660 करोड़ से ज्यादा रुपए रिफंड किए थे और इस दौरान रेलवे ने 17,309 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा पैसे भी कमाए। रेलवे के इतिहास में ये पहला मौका है जब टिकट रिफंड की गई राशि कमाई हुई राशि से ज्यादा है। पश्चिम रेलवे को कुल 2,255 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें उपनगरीय खंड को 339 करोड़ जबकि गैर उपनगरीय रेलवे को 1,916 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।